लॉकडाउन में छूट के बाद वाराणसी शहर की सड़कों पर बड़ी रौनक, मगर व्यवसायी हुए मायूस। भारी छूट मिलने पर एक ओर जहां सोशल डिस्टेंस हुआ तार तार, तो वहीं दूसरी ओर ईद के त्योहार के बाद भी दुकानदारों के हाथ लगी मायूसी। बाजार में ग्राहकों का लगा रहा टोटा। लगातार लंबे समय तक घरों में कैद रहने के बाद वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा वाराणसी में आउट इन वन की तर्ज पर पूरे शहर में दुकानों को खोलने की भारी छूट मिलने के बाद एक ओर जहां वाराणसी के सड़कों पर रौनक लौटी, तो वहीं दूसरी ओर दुकानों पर बैठे दुकानदारों में मायूसी दिखी। दुकानदारों ने बताया कि दुकान खोलने के बाद भी ग्राहकों का दूर दूर तक अता पता नहीं है। वहीं लगातार लगभग 60 दिनों तक दुकानों के बंद होने की वजह से हम लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ईद के त्यौहार के होने के बावजूद ग्राहकों के बाजार में ना रहने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारी छूट मिलने पर सड़कों पर बेवजह लोग घूमते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंस टूटता हुआ भी दिखाई दिया। लोगों में महामारी से खुद का बचाव ना करते हुए बेफिक्र सोशल डिस्टेंस को तोड़ते हुए कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ऐसे में महामारी के लगातार पांव पसार ने वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में संक्रमण के दायरे को लगातार बढ़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। सुजीत जी, कहाँ कराने वाले? हम यही बांडेपुर। अभी किस चीज़ का दुकान आपका है? ये रेडीमेड कपड़े की। लगभग 2 से 2.5 महीने तक आप लोगों की दुकानें बंद रही, जैसा कि देखने में लग रहा है रोज का ये मार्केटिंग आप लोगों का कितना आप लोगों को नुकसान हुआ, क्या कहें सर? इस समय जो भी बाज़ार की पोजीशन चल रही है, अभी तो फिलहाल कस्टमर नहीं है। जो दो ढाई महीने पहले तो दुकानें बंद हुई थी लॉकडाउन की वजह से, उससे काफ़ी मार्केट में असर पड़ा हुआ है। और अभी कंडीशन ये है कि आप देख ही सकते हैं कि रोड पे ना कोई पब्लिक है ना कोई कस्टमर है। हम लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ है इस लाइन में, क्योंकि अभी हमारा अभी रमज़ान का समय चल रहा था और ईद का फेस्टिवल था, तो इस वजह से मार्केट में जो भी कंडीशन है इस समय बहुत डाउन है। क्या उम्मीद आपको आप लगाते हैं मार्केट में, देखो क्या लगता है? हमको तो लग रहा है सर, क्योंकि जितना जो कंडीशन अभी है मार्केट की, अभी हमको तो लगता है कि ये 4 से 6 महीने लग जाएंगे इसको सही कंडीशन में आने में। काफ़ी लगभग नुकसान लग रहा है? हाँ, नुकसान तो हम लोगों को काफ़ी हुआ है। 2 से 2.5 महीने दुकानें बंद है, सारे लोग इस समय कोई भी मार्केट है नहीं। इस समय हम लोगों का समथिंग बहुत नुकसान हुआ है। 2.5 महीने के बाद मार्केट खुला है, खुलने के बाद भी कुछ आश्रय या उम्मीद? पब्लिक ही नहीं है रोड पे, तो मार्केट का कोई असर ही नहीं है। सारा रोड सन्नाटा हुआ है, देख ही रहे हैं अभी, गदर सन्नाटा है कि कस्टमर है ही नहीं मार्केट में।